गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं वर्कशीट नंबर 9। 27 जुलाई की ये वर्कशीट है फॉर क्लास 6 to 8। आइए चलते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। माय ग्रैंडफादर डेली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम माय हाउस। तो यहाँ पे लिखा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं एक पार्क में जो 50 मीटर दूर है मेरे घर से। तो ये पहली इंफॉर्मेशन है जो डिस्टेंस दे रखा है वो। बट यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पे गो की जगह पे गोज होना चाहिए। ये इंग्लिश का एक रूल है जो आप इंग्लिश की वर्कशीट में या फिर जब हम ग्रामर की क्लासेस लेंगे वहां पर आपको और डिटेल में समझाएंगे। माय ग्रैंडफादर डेली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। He daily takes a round of the walkway. Walkway मतलब जो जो पदंडी होती है जहां पर रास्ता बना होता है, जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हैं ये जो रास्ता बना हुआ है वॉकवे कहते हैं इसको, जहां से लोग चल सकते हैं। He daily takes a round. मतलब एक वन राउंड, अराउंड का मतलब हो गया वन राउंड, विच इज 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। तो यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग हो गया, लंबाई हो गई उसकी, और चौड़ाई कितनी हो गई 500 मीटर वाइड। तो इसका मतलब ये कौन सी शेप हो गई, इसकी शेप हो गई रेक्टेंगल। तो इसके बारे में आप सोचें कि वो कौन से कितना उसने डिस्टेंस करा हो कवर करा होगा। देर आफ्टर ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड डू प्राणायाम एंड योगा। While returning home, he regularly brings 1 kg of papaya, 2 liter milk, and 250 gram of cheese. तो जब वो वापस आते हैं घर तो अपने साथ 1 kg papaya, 2 liter milk, and 250 gram of cheese वो रोज लेकर आते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, How much distance He covers daily in the park. तो इससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कौन सी शेप थी पार्क की। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा जो शेप थी वो थी रेक्टेंगल। सो जो लंबाई थी उसकी वो थी 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, बिकॉज जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो मीटर में दे रखी है, तो हमें इसको भी उसी इंफॉर्मेशन में मतलब उसी यूनिट में उसको हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, आसानी होती है। जो ब्रेथ है जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 500 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 500 मीटर। तो जब कोई व्यक्ति इस शेप में रेक्टेंगल में इस सपोज कर इस पॉइंट से चलता हुआ इस तरीके से पूरा कवर करके जाए तो इस चीज को कहते हैं पेरीमीटर। तो हम दो तरीके से समझते हैं कि पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां से यहाँ 1000, फिर यहां से यहाँ 500, फिर यहां से यहाँ 1000, यहां से यहाँ फिर 500। तो अगर हम इन सबको जमा कर दें मतलब ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा कि उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, 2 ब्रैकेट 1000 प्लस 500, तो जिसका आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1500। ये आप नीचे नीचे करके लिखें इक्वल्स डाल के, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3000 मीटर। 3000 मीटर को मैं लिख सकता हूं और 3 किलोमीटर। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था तो स्टेटमेंट क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट में जरूर लिखें।
सो क्वेश्चन था दैट हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड डेली इन द पार्क. ग्रैंडफादर और ही कवर्स 3 किलोमीटर डेली इन द पार्क. ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज पर डे. तो आप फिर दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट रीड करें ध्यान से. व्हाट ही ब्रिंग्स, ही ब्रिंग्स 1 kg ऑफ पपाया एंड 250 ग्राम ऑफ चीज. हम यहाँ पे लिख देंगे व्हाट इज द टोटल वेट. टोटल वेट निकालने का मतलब हो गया, टोटल से मतलब समझ में आ गया सम. हम पहले लिख देंगे स्टेटमेंट, वेट ऑफ पपाया इक्वल्स टू 1 kg. अब यहां पर भी यूनिट सेम रखनी है तो इसका मतलब 1000 ग्राम. फिर लिखेंगे वेट ऑफ चीज कितना था 250 ग्राम. अब यहां पर लिखेंगे टोटल वेट, कितना हो जाएगा 1000 प्लस 250, इट इज इक्वल्स टू 1250 ग्राम. अब यहां पर भी हमें स्टेटमेंट जरूर लिखनी है. हम लिखेंगे द टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज पर डे इज 1250 ग्राम. सो ये आपको स्टेटमेंट में जरूर आंसर लिखना चाहिए बिकॉज वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में है. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से. व्हाट वेट ऑफ मेजरमेंट हैव बीन यूज्ड इन द अबव डिस्क्रिप्शन. तो क्या क्या है आपको खुद अभी हमने देखा है, एक तो डिस्टेंस दे रखा है, मीटर है, और क्या है ग्राम है, किलोमीटर है, किलोग्राम है और आर हम लिख देंगे हैव बीन यूज्ड इन द अबव डिस्क्रिप्शन. एक मिस हो गई है शायद, आप बताए कौन सी, मीटर, किलोमीटर, ग्राम और एक हमने मिल्क को छोड़ दिया एंड लीटर हैव बीन यूज्ड इन द अबव डिस्क्रिप्शन. ओके, उन्होंने और एक चीज पूछी है, व्हाट आर अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यू नो. ये तो आपसे पूछा गया है कि आपको कौन कौन सी पता है. मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे लीटर है तो मिलीलीटर हो गया. ओके, मीटर है तो लीटर है तो मिलीलीटर हो गया. ओके, किलोमीटर था तो सेंटीमीटर भी होगा. इस तरीके से और भी यूनिट्स होते हैं, तो आपको जो जो पता हो वो आप यहाँ पर लिख दें. लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. डज ओनली ग्रैंडपा नीड्स टू गो फॉर डेली वॉक. आप बताओ सबको जाना चाहिए ना. नो हम यहाँ पे लिख देंगे नो. एवरीवन शुड गो फॉर डेली वॉक्स. सो आप इसके अंदर अपना ऐड भी कर सकते हो, क्या क्या रीजंस है आपके हिसाब से क्यों जाना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट होते हैं. सो आज की वीडियो में इतना ही. जल्दी से इसको खुद आप अटेम्प्ट करें. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें. अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग.